हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। आज की जो व्लॉगिंग है वो बहुत लेट जा रही है, आई नो। मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। और अभी आप पीछे से आवाज़ सुन सकते होंगे कुहू की। मैं कुहू को सुला के तब एडिटिंग कर रही हूँ। दो चार दिन से कुहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिस वजह से उसको मेरी ज़रूरत रहती है, तो मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये है छोटे मामा जी के बर्थडे की। और छोटे मामा जी के बर्थडे के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम पहुंच गए वहाँ। तो मैंने बर्थडे सीन का जो क्लिप है वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ यहाँ पे बड़े मामा जी कुक एंड व्लॉग्स विद, जहाँ पे ऑलरेडी आप सभी देख चुके हैं, यहाँ पे छोटे मामा जी को मैंने ही फोर्स किया था कि मामी को आप चॉकलेट खिलाइए, क्योंकि केक कटिंग हुई तो नानी और मम्मी को इन्होंने खिलाया और बगल में मामी बैठी हुई हैं, उन्हें खिला भी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि उन्हें तो खिलाओ, तो यही मजाक चल रहा था यहाँ पे। और बाकी सारी वीडियोस तो आपने देखी ही है कुक एंड व्लॉग्स विद, जहाँ पे कैसे हम गए, मैंने छोटे मामा जी के लिए गिफ्ट लिया, अकेले स्कूटी से गई थी, तो ये सारी वीडियो तो आप सभी ने देखी ही है। इसलिए बार बार सेम रिपीटेटिव वीडियो दिखाना मुझे लगता है कि नहीं अच्छा लगता, व्यूअर्स भी बोर हो जाते होंगे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा हट के कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी केक कटिंग की क्लिप तो सेम हो ही जाती है, और कभी कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है तो फिर मैं वहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। तो मेन बेसिक पर्पस होता है कि कुछ जो बिहाइंड द सीन हो, ये सारी चीज़ें हो, ये आप सभी को दिखाना है। यहाँ पे हंसी मजाक ये चल रहा था कि छोटे मामा जी को बड़े मामा जी ने हैप्पी बर्थडे बोला था, तो उन्होंने थैंक यू कुछ अलग तरीके से कहा था। तो आप ज़रूर वो सुनना कुक एंड व्लॉग्स में, जहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो सभी हंसने लगे थे और कुहू को वहाँ पे बड़ी मामी जो है वो खिला रही थी। मगर पता है क्या, कलर डाल देते हैं अजीब सा स्वाद आ जाता है। वो कलर का आ जाता है ना, डिफरेंट कितना नहीं है देना चाहिए। अच्छा तो डालते वैदिक देसी ड्राइंग रूम में चलो ना, आ जाओ। आपका लग चुका है, आप भी आ जाओ। हाँ, हम खाते हैं खाना और निकलेंगे, क्योंकि लेट आए जल्दी निकलेंगे। जल्दी आते हैं तो लेट हो जाते हैं। जादी को रोक के दिखा दो, देखते हैं जादी को रोक के दिखाओ। चलो आ जाओ, तू अपना लेके। नहीं मुझे पता है। और यहाँ टाइम मैं बाद में दिखाऊंगी, जरा चाय चाय बन रही है अदरक वाली नानी के घर से आने के बाद। और एक सेकंड मैं आती हूँ, ये लो। हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे हम यस एक और लाइट है मेरे किचन में। तो यहाँ पे हम नानी के घर से आने के बाद मुझे दिखा अदरक, और मैंने कहा अदरक वाली चाय तो होनी चाहिए, क्योंकि रात में हमारी दिन रात एक हो रखी है, कभी भी हम चाय पी सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दूध वाले मैंने चाय पी, और अभी कोल्ड सबको है, झाजी को भी हो गया है आज। हाँ, को भी मम्मी हमारे साथ पी लेंगी। तो चाय पीते पीते मैं गाना भी गा रही थी, इसलिए मम्मी आ गई। हाँ, कौन सा गा रहे थे? वो तो पल में खुश है पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी। तो ये ना वो वाला सॉन्ग है, उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं, प्रिटी वुमन तुम्हें कहो ना प्रिटी वुमन, ये वाला सॉन्ग है। खूब मजे में गा रही थी तो मैंने कहा चलो इधर देखो, बेटू को अच्छा लग रहा है। और टाइम मैं दिखा देती हूँ यहीं से, टाइम हमारे घर में 1 बज रहे हैं। टिंगो पिंग मतलब लोग उधर ना परेशान रहते हैं बच्चों के साथ, सो नहीं रहे, हम इस एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं इतना। जी भी उठे रहते हैं हमारे हाँ, साथ ही उसको 2-2.5 बजे तक तो सभी ऐसे रहते हैं। फिर वो भी अपना एक बार कुछ नींद लेती है ना, उनका है कि
वो सो गए तो ही उन्हें नींद आएगी, तो वो एक बार नींद ले लेती है भले ही आधे घंटे में उठ जाए, तो तब तक जा रही अपना एसी वेसी चला के दूसरे रूम में सो जाते हैं, मैं मम्मी और को उधर रहते हैं, फिर पता चलता है 40 मिनट में फिर उठ गई, 40 मिनट हमें रेस्ट दे के, और उतने में हम सभी आपका कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई देते हैं, वो टाइम होता है जब कू थोड़ा सा सो लेती है ना, तब हम और अभी डेली मामा जी का भी कॉल आ जाता है तो बहुत मजा आता है, नहीं तो मामा जी से बात करते हैं हम, उसमें बिजी रहते हैं, बिजी रहते ऐसे चल रहा है दिन रात, लेकिन मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, कू को खूब सारी स्टोरी सुना सकते हैं, थोड़ी बड़ी होगी तो स्टोरी क्या सुनाना, वो सीधा चैनल पे जाएगी अपना व्लॉग देखेगी, मैं कैसी दिखती थी, अच्छा मैं ये करती थी, तो ये चीज बहुत अच्छी है, अगर व्लॉगिंग सोचा हमारे टाइम पे करते तो हम अभी सब कुछ देख सकते सही में कि मैंने कैसे खाया, मैंने कैसे पिया, अभी हम सिर्फ आपको बताते हैं ना, हाँ अभी कि सिर्फ आपने 1.5 साल तक मीठा मीठा ही खाया था, सिर्फ 1.5 साल तक मीठा खाया, मतलब 1.5 साल तक सिर्फ नहीं, वैसे ही बच्चों को नमक का वो खिलाने लगते, 6 महीने के बाद दाल चटाने लगते, आप नहीं खाते थे, आप दूध रोटी दूध भात हो गया, स्टीम हो गया उसका, चलो क्या बताना है, हाँ बापा चित बातें करनी है ना, वो दी आके बातें करनी है ना, है ना, हाँ 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 बातें करने, चलो बातें करते हैं।